हेलो क्लास, लास्ट वीडियो लेक्चर दे विच असी इंटरफेसिस दा समझिया सी कंसेप्ट भी इंटरफेसिस किस तरीके नाल असी यूज करदे आ मल्टीपल इनहेरिटेंस दे लई। ठीक है, बट इंटरफेसिस दा कंसेप्ट कित्थों आया एक्चुअल दे विच, उहनां दा बैक ते की है जिथों इंटरफेस असी नवा इनवेंट कीता या यूज कीता, कित्थों बनिया ओह इंटरफेस। उहदे विच याद होवे तां इंटरफेसिस दे विच असी इक चीज़ पढ़ी सी, इंटरफेस दे हर एक मैथड मतलब हर एक फंक्शन जिहड़ा हुंदा है वह एबसट्रैक्ट हुंदा है। हुण वह एबसट्रैक्ट कीवर्ड जिहड़ा सी वह क्यों यूज़ करदे हां, किस तर की काम है वह, किस तरह वर्क करदा है, उही अज असीं समझांगे। ठीक है, और जिहड़ा एबसट्रैक्ट वर्ड सी ना, एक एबसट्रैक्ट कीवर्ड सी, वह कीवर्ड असीं क्लास दे नाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैथड दे नाल भी लगा सकते हैं। हुण क्लास नाल लगाते हो किस तरीके नाल वर्क करेगा एंड मैथड नाल लगाते हो किस तरीके नाल वर्क करेगा, ये दोनों चीज़ा डिफरेंशिएट कर दें एक दूसरे दे नाल। ठीक है, वो किस तरीके नाल वर्क करेगा ये चीज़ असी अज समझांगे। ठीक है जी, सो लैट स्टार्ट। एबसट्रैक्ट क्लास की हुंदी है सब तो पहला तो साडा मेन क्वेश्चन। हुण अगर एबसट्रैक्ट क्लास की गल की जाए तो एबसट्रैक्ट क्लास इज डिकलेयर्ड यूजिंग एबसट्रैक्ट कीवर्ड। हुण ये चीज़ याद रखियो, जदों असी इंटरफेस डिकलेयर करना सी तो उहदे लई इंटरफेस लिखते सी, इंटरफेस दैन इंटरफेस का नाम इदा लिखते सी। बट एबसट्रैक्ट क्लास जो बनानी है तो उहदे लई एबसट्रैक्ट कीवर्ड यूज होएगा। होएगा कित्थे, क्लास के नाल जिस तरीके ना असी नॉर्मल क्लास बनाते सी एज इट इज़ बनावांगे। सिर्फ जिथे असी क्लास कीवर्ड लिखिया ना, क्लास कीवर्ड तो एक वर्ड पहला एबसट्रैक्ट वर्ड एड करना। ठीक है, एबसट्रैक्ट क्लास, क्लास नेम, कुछ इस तरीके नाल इहदा सिंटैक्स हुंदा। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव एबसट्रैक्शन इन जावा। नाम दस रहा एबसट्रैक्ट है, मीनस इन्हें कुछ ना कुछ एबसट्रैक्ट करना है, मतलब लुकाना है, एंड ये लुकाने वाला कंसैप्ट जिहड़ा है वह एबसट्रैक्शन दे विच हुंदा है जावा दे। ठीक है, सो एबसट्रैक्ट क्लास जिहड़ी है ये असी एबसट्रैक्शन जो परफॉर्म करनी होवे जावा दे विच तां उस टाइम ते एबसट्रैक्ट क्लास क्रिएट की जाती। ठीक है जी, नैक्सट एन एबसट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटिड, मतलब इनू असी इहदा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इनू कोई मैमरी एलोकेट नहीं कर सकते असी एबसट्रैक्ट क्लास के वेरीएबल्स नू। ठीक है, फिर अगर ये मैमरी नहीं एलोकेट कर सकते, इहदा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दैन इस तरह की क्लास बनाने का फायदा ही की है। हुण उहदा की फायदा है वह असी नैक्सट स्लाइड दे विच समझांगे। ठीक है, हजे इन्ना याद रखो कि एबसट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटिड, इंस्टेंशिएटिड मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इहदा। ठीक है, इट कैन हैव एबसट्रैक्ट एंड नॉन एबसट्रैक्ट मैथड दोनों तरह के। हुण एबसट्रैक्ट मैथड किहड़े होणगे, जिन्हां दी कोई भी बॉडी नहीं होएगी। असी इंटरफेस च कीता सी जदों असी पब्लिक एबसट्रैक्ट करके एक इंटरफेस दे विच एक मैथड बनाया सी, तां मैं तुहानूं एक रूल दस्सिया सी कि जिहड़ा भी मैथड होएगा इंटरफेस दा उहदी कोई बॉडी नहीं होएगी, सिर्फ उहदा सिग्नेचर होएगा। ठीक है, ओह रूल जिहड़ा सी ओह इत्थों यूज़ कीता गया उहदा। ठीक है, एबसट्रैक्ट मैथड जिहड़े होणगे उहनां दी कोई भी बॉडी नहीं हुंदी। एबसट्रैक्ट क्लास दे विच इस तरह दे मैथड ऐड किए जा सकते हैं। प्लस एक होर तरह के मैथड ऐड किए जा सकते हैं, वह कहड़े है नॉन एबसट्रैक्ट मैथड। हुण आ कहड़े है, आ उही मैथड है जिन्हां दी बॉडी हुंदी है। ठीक है, मीनस असी हुण तक जिहड़े भी मैथड बनाए इंटरफेस दे मैथड्स नूं छड्ड के, नॉर्मल क्लास क्रिएट की, इनहेरिटेंस दे विच मैथड्स बनाए सी जदों एनीमल क्लास नूं इनहेरिट किया सीगा या फिर परसन क्लास में इनहेरिट किया वैजीटेरियन एंड नॉन वैजीटेरियन ने। ठीक है, हुण उन्होंने परसन क्लास के एक ईट मैथड से, वो जो ईट मैथड से किदा लिखा सी पब्लिक वर्ड ईट, सिंपल मैथड से एंड उन्होंने एक बॉडी प्रोवाइड की एंड लिख दिता से ईट समथिंग। ठीक है, वो जो मैथड है वो सा नॉन एबसट्रैक्ट मैथड है। हुण उस तरह के मैथड भी ये बन सकते हैं, प्लस जेडे मैथड्स के अगे मैं एबसट्रैक्ट कीवर्ड लगा देव वो भी ये बना सकते हैं। किदा बना सकते हैं असं अज समझांगे। ठीक है, नैक्सट स्लाइड पर मूव करते हैं। वेज टू अचीव एबसट्रैक्शन। हूँ एबसट्रैक्शन असी एबसट्रैक्ट क्लास की हेल्प के नाल अचीव कर सकते हैं। वो दो वेज है एबसट्रैक्शन अचीव करने के, एक तो है एबसट्रैक्ट क्लास, दूसरा है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस असी कर चुके हैं, हूँ एबसट्रैक्ट क्लास का कंसैप्ट रह गया से साडा, वो असी क्लीयर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इतने देखो जी, इतने लिखा हुआ है 0 to 100% एंड 100%, इतना दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ये कहना की चाह रहे हैं। इहदा मतलब यह है कि अगर तो असीं एबसट्रैक्ट क्लास यूज़ करांगे एबसट्रैक्शन दे लई, तां 0 तो लैके 100% तक की प्रोबेबिलिटी है कि साडी क्लास जिहड़ी है वह एबसट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकती है, मतलब
ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ 100% ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, 100% ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2, 3 ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਦੈਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 100% ਰਹੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 100% ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ 100% ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਛ ਹੈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵਿਦ ਐਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਇੰਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਕੰਸਟਰਕਟਰਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਥਡਸ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡਸ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਵਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਸਬ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਸਬ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਡ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਹੀ ਕੋਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹਿਊਮਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਨੇਮ ਐਂਡ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਨੇਮ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਏਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੋ ਸ ਐਚ ਡੋਟ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਐਚ ਡੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਫਸਟ ਰੂਲ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਆ ਮੈਥਡ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ 100% ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਇੰਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਰਰ ਆਏਗਾ। ਐਰਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਇੰਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹਿਊਮਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇੰਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਥਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਥਡ, ਸੋ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਰਰ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ, ਅਸੀਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਮ, ਏਜ, ਜੈਂਡਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰੀਕਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਵਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੋਮਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ।
अगर गल करी कीती जावे इनहेरिटेंस दी, तां इनहेरिटेंस दे विच वी कुछ इस तरह ना कम कर सकदे सी, बट जिहड़ी आ जावा दी एब्सट्रैक्ट क्लास अगर मैं इहनूं बना देवां तां जिहड़े चाइल्ड दियां कॉमन करैक्टरिस्टिक्स है उहनां नूं असीं एबस्ट्रैक्ट क्लास दे विच डिफाइन कर सकदे आ। अच्छा एक क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं मैं पुछिआ उहदा आंसर वी मैं ही दस दिंदी आं कि इत्थे एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड क्यों यूज करना सी, इनहेरिटेंस दे नाल वी साडा कम हो सकदा सी। अगर इनहेरिटेंस की गल की जाए तो इनहेरिटेंस वेले की करांगे, इत्थे एक क्लास बनाई परसन, ओदा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, एदा भी बना सकते हो, एदा भी, बट एक्चुअल दे विच परसन दी डिटेल्स असीं करनियां ही की है। मतलब किसी भी लंघदे वड़दे इंसान की डिटेल्स रख लो, संभाल लो, नहीं ना कोई रीजन ना चाहिए उहदी डिटेल्स रखण दा, पता तो होवे कि डिटेल है। सिंपल एक परसन की डिटेल्स अगर मैं कह दवां राम है, उहदा नाम उहदी एक परसन का नाम राम है, उहदी एज 23 ईयर्स है, ठीक है, उहदा उह मेल है एंड उहदा फोन नंबर 987 को समथिंग है, ठीक है, एंड उहदा एड्रैस हैगा जी, उह किसी जगह ते रहिंदा है, दैन तुसीं कहोगे मैम साडे काम दी की है चीज़ इहदे विच, ठीक है। अगर मैं कहां कि उह तुहाडी क्लास दा स्टूडेंट है, उहदा रोल नंबर ए है एंड सेमेस्टर उहदा ए है, तुहाडे कॉलेज दा स्टूडेंट है, दैन तुहाडे लई उह यूजफुल चीज़ है। या मैं कहां भी वो तो फैकल्टी का मैंबर है, हूँ वो डिपार्टमेंट दे इस डिपार्टमेंट दे विच है एंड उन्होंने इन्ने साल का एक्सपीरियंस है, दैन वो भी तुहाडे लिए कुछ मीनिंगफुल है। मतलब सिंपल डिटेल्स वो जी परसन क्लास दियाँ सी वो मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। उस केस दे विच एबसट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं सी, एबसट्रैक्ट कीवर्ड बेसिकली यही दस रहा है कि जी सब क्लास होएगी वो, मतलब जिन्या भी क्लासिज है उन्हां दे विच अगर कोई कॉमन करैक्टरिस्टिक्स है तो उन्होंने एक क्लास च दिखा दो। अगर मैं इस पार्ट नूं 2 मिनट लई भुल जांदी, मैं एक क्लास अलग बना रही हूँ, स्टूडेंट अलग बना रही हूँ, फैकल्टी, बहुत रीजनस ने एबसट्रैक्ट क्लास बनाते। फस्ट रीजन मैं दस्सिया तुहानू कि जिहड़ी साडी एबसट्रैक्ट क्लास होएगी वो साडे सब क्लासिज दे कॉमन करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगी एंड सानू जिहड़ी पेरेंट क्लास है जिहड़ी मीनिंगलैस है इस टाइम ते, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करन तों रोकेगी। फस्ट रीजन ए सीगा, ठीक है। सैकेंड रीजन हूँ तुम दसन जा रही हूँ उस चीज़ का कि असी क्यों यूज की। लैट्स इमेजिन कि मैं परसन क्लास नहीं बनाती, दैन की करांगी अगर मैं स्टूडेंट एंड फैकल्टी डिटेल्स रखनी है कॉलेज के। सब तो पहला गल तो मैं स्टूडेंट का अलग रजिस्टर बनावगी, ठीक है, वोदिया डिटेल्स, सॉरी रजिस्टर नहीं, क्लास बनावगी स्टूडेंट की अलग एंड वोदिया डिटेल्स इस तरीके नाल मैं उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनावगी, सॉरी मैंबर फंक्शन बनावगी एंड डेटा मैंबरस बनावगी, इन्ह सारी वैल्यूज़ में संभाल के रखने के लिए, प्लस फैकल्टी दे विच वी सारा कुछ करांगी, ठीक है। हुण देखिया जावे तो इहदे विच कुछ कॉमन चीज़ां हैं जिहड़ियां कि दोनों वास्ते अलग अलग बनानियां पै रही हैं। मतलब मैमरी ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है। हुण जे मैं एक मैमरी बचाना चाहवां तां की करांगी, इहनां दे कॉमन करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ियां उहनां नूं अलग क्लास 'च बना दित्ता, इह सिर्फ उहनूं कॉल कर सकदे है, ठीक है, इह वी सिर्फ उहनूं सिर्फ कॉल कर सकदी है, आप नहीं उन्होंने वैल्यू कोई भी देगी, ठीक है। उहदे नाल साडी मैमरी जिहड़ी है वो यूटिलाइज वधिया तरीके नाल हुंदी है, मैमरी ऑप्टीमाइज हुंदी है, ठीक है। बार बार मैं वेरीएबल्स डिकलेयर करा उहदे नाल वो बैटर है कि मैं एक बार ही वेरीएबल डिकलेयर करा, उन्हां नूं अलग अलग क्लासेस दे विच कॉल करके यूज कर लवां मैं, ठीक है। वो चीज़ असी अगर इंप्लीमेंट करनी होवे, मतलब वेरिएबल डेक्लेरेशन दा थोड़ी जी अपनी घटानी है सिरदर्दी, ठीक है, उस टाइम ते एबस्ट्रैक्ट क्लास असी यूज कर सकते हैं, या ये कह लो कि कुछ कॉमन मैथड नूं बनाने की सिरदर्दी खत्म करनी है तो उस टाइम ते भी असी एबस्ट्रैक्ट क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एनी अदर क्लास, एन एबस्ट्रैक्ट क्लास मे कंटेन फील्ड्स डेट डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स एंड मैथड्स that describe the actions that a class can perform। मतलब बाकी क्लासेस जिस तरीके ना काम करदी हैं की हुंदा है, हर एक क्लास दे विच कुछ फील्ड्स हुंदे हैं, ठीक है, एंड कुछ मैथड्स हुंदे हैं, इदां ही हुंदा, फील्ड्स मीन डेटा मैंबरस, ठीक है। हुण जिहड़ी नॉर्मल क्लास है उहदे विच कुछ डेटा मैंबरस हुंदे हैं जिन्हां दे विच करैक्टरिस्टिक्स हुंदियां एंड जिहड़े मैथड्स हुंदे हैं उहनां विच एक्शन हुंदे हैं, ठीक है। एबसट्रैक्ट क्लास दे विच वी कहिंदे सारा कुछ हो सकता है, ये तो असीं पहला कर चुके हैं, सो ये जस्ट रिवाइज करवाने दे लई पॉइंट लिखिया द्वारा, ठीक है। यू कैंट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एबसट्रैक्ट क्लास, असीं इहदा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट एक फैसिलिटी होर है, यू कैन क्रिएट रेफरेंस वेरीएबल ऑफ एबसट्रैक्ट क्लास। हुण ये रेफरेंस वेरीएबल एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों डिफरेंस इन्हां दोनों विच की है। ऑब्जेक्ट जो बनाने हैं तो उस टाइम पर न्यू कीवर्ड लिखना कंपलसरी हुंदा है, ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਦੈਨ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ
देन क्लास का कंस्ट्रक्टर। न्यू कीवर्ड लिख के कंस्ट्रक्टर नू कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एंड रेफरेंस की होंगी है, रेफरेंस मीन्स जो तुम लैफ्ट साइड से लिखते हो क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, अगर सिंपली आ दो चीजा लिख के सेमी कोलन लगा दोगे दैन वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अगर तुम देखा हो स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू लिखते हो स्ट्रिंग दैन की करते हो स्ट्रिंग एस कैपिटल वाला एंड कोई भी वैल्यू लिख देंगे एस मान लो, ठीक है, एस सेमी कोलन, उस टाइम पर असं एक्चुअल जी रेफरेंस ही बनाने वो, ठीक है। सो एबस्ट्रैक्ट क्लास जी है उन्होंने असं रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर बना सकते हैं बट वह ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कि करना है चीज़ उन्हें देखते हैं अभी, ठीक है। उस तो पहला असी एबस्ट्रैक्ट मैथड्स में पढ़ना है, उस तो बाद फाइनली एक एग्जाम्पल करा वो असी एक कंसैप्ट क्लीयर कर लाँगे अपना, ठीक है जी। हम एबस्ट्रैक्ट मैथड्स की गल करते हैं। एन एबस्ट्रैक्ट मैथड कैन इनकलूड मैथड्स डैट कंटेन नो इंप्लीमेंटेन, मीनस उन्हों की बॉडी नहीं होनी चाहिए। एबस्ट्रैक्ट मैथड यही कहता है कि मेरी बॉडी ना हो, ठीक है, उन्होंने करली ब्रेसिस नहीं प्रोवाइड करनी है, सिंपली उस मैथड का नाम एंड वो पैरामीटर्स वगैरह लिख के वो अगे एबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के सैमी कोलन लगा दो लास्ट से, वो होंगे एबस्ट्रैक्ट मैथड्स, ठीक है। द एबस्ट्रैक्ट मैथड मस्ट बी डिकलेयर्ड विद द सैमी कोलन एट द एंड से रैदर दैन ए ब्लॉक, मतलब करली ब्रेसिस का ब्लॉक देने की बजाय सिंपली सैमी कोलन लगा दो कहता, ठीक। इफ ए क्लास हैज एनी एबस्ट्रैक्ट मैथड्स, अगर एक किसी क्लास के कोई एबस्ट्रैक्ट मैथड है वैदर डिकलेयर्ड और इनहेरिटिड, डिकलेयर्ड भी हो सकते हैं उस क्लास के इनहेरिटिड भी हो सकते, चलो ये कंसैप्ट की कह रहे हैं बेसिकली ये है कि या तो डिकलेयर कर देते असं आप बना के, या फिर यह भी हो सकता है एक एबस्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एबस्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिट करे, ठीक है, वो कंसैप्ट इतने आ गया, ठीक। इफ ए क्लास हैज एनी एबस्ट्रैक्ट मैथड द एंटायर क्लास मस्ट बी डिकलेयर एबस्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली कह की रहा है कि अगर मैं किसी नॉर्मल क्लास के एक एबस्ट्रैक्ट मैथड बनाना चाहवां तो वो क्लास भी एबस्ट्रैक्ट होनी जरूरी है, ठीक है। क्यों ये होना जरूरी है, तो अगर ना करोगे तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स एरर आएगा, बिकॉज अगर तुम किसी चीज़ दी प्रॉपर्टीज़ नू यूज करना चाहते हो तो वो पेरेंट चीज़ नू भी उस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इफ वी क्रिएट एन एबस्ट्रैक्ट क्लास इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट एबस्ट्रैक्ट मैथड इन दैट, मतलब अगर एबस्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो फर्स्ट पॉइंट की कह रहा है कि अगर एबस्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो दैन कंपल्सरी नहीं है कि असी एबस्ट्रैक्ट मैथड बनाई हो, नॉन एबस्ट्रैक्ट मैथड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जे तुसी एबस्ट्रैक्ट मैथड बना रहे हो इफ वी क्रिएट एन एबस्ट्रैक्ट मैथड एबस्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्लास का, ठीक है। नॉर्मल क्लास से एबस्ट्रैक्ट मैथड नहीं आ सकते, ठीक है, एबस्ट्रैक्ट क्लास से एबस्ट्रैक्ट मैथड आ सकते हैं बट एबस्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मैथड्स भी आ सकते हैं, कुछ इस तरह की हायरार्की याद रखियो, ठीक है। अगर फिर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा जहा बैक करके वीडियो दोबारा सुन लो इस वर्डिंग, नॉर्मल क्लास एंड एबस्ट्रैक्ट क्लास एंड एबस्ट्रैक्ट मैथड्स का कंसैप्ट की है, ठीक है। द क्लास विच इनहेरिट्स एबस्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड बॉडी टू एबस्ट्रैक्ट मैथड्स ऑफ इनहेरिटेड एबस्ट्रैक्ट क्लास, एक लाइन कह रही है कि अगर एक क्लास है, लेट्स इमेजिन मैं एक क्लास बनाई पर्सन, ठीक है, पर्सन क्लास है वो है एबस्ट्रैक्ट टाइप की, ठीक है। हुन अगर एक क्लास बना रही हूँ मैं कोई स्टूडेंट नाम दी, स्टूडेंट भी एक पर्सन होएगा, ठीक है। सो जरूरी की है कि जेड़ी पर्सन क्लास सी उहदे विच मैं एक अगर मैथड बना रही हूँ नेम या फिर ईट, दैन वो स्टूडेंट वाली जेड़ी क्लास है वो भी उस क्लास दे उस मैथड नू बॉडी जरूर प्रोवाइड करे, ठीक है, क्योंकि एबस्ट्रैक्ट मैथड्स नू बॉडी असी प्रोवाइड करते ही नहीं एबस्ट्रैक्ट क्लास दे विच, फिर उन्होंने कदी ना कदी तो बॉडी देनी पएगी, ठीक है। इन्हें चलो असी प्रोग्राम की हेल्प नाल समझते हैं किदा करना है, फिर ज़्यादा क्लीयरली समझ आएगा। एक क्लास बना रही है एबस्ट्रैक्ट क्लास परसन, ठीक है, इन्नी क्लास का एक क्लास है साड़ी, उहदे विच एक मैथड बनाया वर्ड नेम, उहदे अगे लिख दिता एबस्ट्रैक्ट एंड लास्ट से लगा दिता सैमी कोलन, बस इन्ना ही मैथड है। सेकेंड मैथड है एबस्ट्रैक्ट वर्ड ईट सेमीकोलन, ठीक है।
एब्सट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके विच दो एब्सट्रैक्ट मैथड ही बनाए हैं, कोई भी नॉन एब्सट्रैक्ट मैथड मैं नहीं बनाया हूँ। अगर तुम चाहो तो इतने एक नवा नॉन एब्सट्रैक्ट मैथड भी नीचे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट, एक क्लास बनाई स्टूडेंट, वो एक्सटेंड कर रही है परसन नू, मतलब इस क्लास नू उन्हें एक्सटेंड किया, क्योंकि एब्सट्रैक्ट क्लास हमेशा एक्सटेंड करनी ही पैनी है, उस तो बिना वो फंक्शनैलिटी असं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हुण परसन जिहड़ी एब्सट्रैक्ट क्लास है वह दस रही थी कि हर एक परसन का कोई ना कोई नेम जरूर है एंड हर एक परसन कुछ ना कुछ ईट जरूर करेगा, चाहे वह स्टूडेंट होवे, चाहे वह फैकल्टी होवे, चाहे कोई होर इंप्लॉई होवे, ठीक है। सो हुण असीं नैक्सट मूव करते हाँ, तो इत्थे की हो रहा है बेसिकली, मैं हुण आ वर्ड नेम वर्ड ईट जदों आ डिक्लेयर किए, बेसिकली है कि ये नेम नाम का मैथड जिहड़ा सी यही मैथड है, वर्ड ही यदि रिटर्न टाइप है, इनू मैं ओवरराइड कह सकते हो या इदा ओवरराइड नहीं कह सकते, इनू असी यही कह सकते कि इनू असी बॉडी प्रोवाइड की है, ठीक है। ओवरराइड तो कहेंगे अगर ये तो कोल ऑलरेडी एक बॉडी सी, दैन असी दोबारा वो बॉडी रीडिफाइन किया, ठीक है। एब्सट्रैक्ट जिहड़ा मैथड सी उस मैथड नू असी जदों बॉडी प्रोवाइड करनी है इनहेरिटिड क्लास दे विच, तां एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एब्सट्रैक्ट कीवर्ड नू छड के जिन्ने भी इत्थे कीवर्ड्स होण, हो सकदा इत्थे पब्लिक स्टैटिक या फिर कुछ फाइनल इस तरह का कीवर्ड हो सकता है, तो वह कीवर्ड्स भी इत्थे लगाने जरूरी है। इस तो पहला इत्थे मैं कोई नहीं लगाया, सिर्फ वर्ड लगाया सी, सो मैं सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ इत्थे, ठीक है। एंड एक चीज़ होर ध्यान रखनी है कि जिहड़ी क्लास इनहेरिट करेगी एब्सट्रैक्ट क्लास नू, ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਨੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਈਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਮੂ, ਐਂਡ ਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਈਟਸ ਵੈਜ ਵੈਜ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 21 ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 21 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡੈਮੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵਰਡ ਮੀਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਗਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਐਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਐਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਡੋਟ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਸ ਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਟਲੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਰਾਮੂ, ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਸ ਡੋਟ ਈਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਡੋਟ ਈਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰੋ ਐਸ ਦੇ, ਐਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਈਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਈਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟ ਵੈਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਰਾਮੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਈਟਸ ਵੈਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਸ ਡੋਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸ ਨੇ, ਐਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 21 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪੀ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਨੇਮ, ਦੈਨ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ।
बट ओदा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मीन्स आ चीज नहीं कर सकते। न्यू पर्सन लिखांगी तो एरर आएगा, अगर न्यू स्टूडेंट लिख दिता, स्टूडेंट का मतलब उन्होंने वैल्यू स्टूडेंट दी भेज रही हाँ, इस लाइन का मतलब की हो रहा है, इस लाइन का मतलब यह है कि जो न्यू स्टूडेंट उन्हें रन किया उन्हें कि देखा स्टूडेंट क्लास के जिन्या भी वैल्यू सगिया एक ऑब्जेक्ट बना के उन्हें सेंड किया अपने लैफ्ट साइड, एंड लैफ्ट साइड से किनू सेंड किया पी नू, एंड पी की है परसन क्लास का वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, हुन पी डॉट नेम दे नाल जदों कॉल करोगे तो उन्हें की करना, उन्हें देखना पी की है परसन, परसन जिहड़ा पी जिहड़ा है परसन क्लास का उहदी रेफरेंस च पिया की एक्चुअल दे विच स्टूडेंट का ही समान पिया सीगा। ठीक है, सो उन्हें फिर दोबारा जाना फिर इहदे कोल ही है इसे दे कोल, देन अगेन यही कोड साडा रन होएगा। पी डॉट नेम नू कॉल करोगे देन अगेन रामू ही प्रिंट होएगा, एंड पी डॉट ईट नू कॉल करोगे देन अगेन ईट्स वेज ही प्रिंट होएगा। ठीक है, दो तरीके ने एबसट्रैक्ट क्लास दियां वैल्यूज नू या एबसट्रैक्ट क्लास दे मैथड्स नू कॉल करन दे। एक मैथड तो यह है कि चाइल्ड क्लास का ही ओबजेक्ट नॉर्मल असं जो करते आ रहे उ करना। ठीक है, सैकेंड मैथड है वो रेफरेंस वेरीएबल असं एबसट्रैक्ट क्लास का बनाना है, एंड कॉल एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट क्लास का, एंड ओदी वैल्यू असी पास कर देनी है रेफरेंस वेरिएबल दे कोल। ठीक है, हुण अगर पोलीमोफिजम की गल की जाए तो पोलीमोफिजम दे विच ए चीज हुंदी है। ठीक है, ए चीज इस चीज नू जिहड़ी आ लाइन लिखी है इस चीज नू असी पोलीमोफिजम कहने एक्चुअल दे विच, क्योंकि अगर देखा जाए इत्थे मैं अगर शेप क्लास बनानी है एंड इत्थे बना दिनी है नाम इहदा दे दिनी है कोई सर्कल। ठीक है, सो एक्चुअल शेप तो है ही सर्कल, सर्कल की वैल्यू नू मैं अगर शेप दे विच पास करा तो ठीक है, आंसर गलत नहीं है मेरा, मैं कहां तुहानू शेप बनाओ इट मीनस सर्कल बनाया कुछ सर्कल बना रहे हो तो ठीक है। ठीक है, अगर तुहानू मैं कहा कि सर्कल बनाओ तो तुसीं मैनू कह रहे हाँ जी मैम मैं शेप बना दित्ती तो वह भी ठीक है, दोनों गल्लां सेम ने, इस चीज़ नू ही पोलीमोफिजम कहिंदे एक्चुअल च। ठीक है जी, नैक्सट ये क्वेश्चन हुण तुहाडे लई प्रोग्राम से समझ ले, हुण देखना है कि इस प्रोग्राम दे विच एरर की है। हुण मैं एक क्लास बनाई है परसन, समझा दिनी है मैं की कीता, एरर्स तुसी लभने हैं। ठीक है, क्लास बनाई है परसन, उहदे विच कुछ भी हो सकता है, प्लस मतलब कोई मैंबर डेटा मैंबरस हो सकते हैं, वेरीएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, उहदे विच मैं एक एबसट्रैक्ट मैथड बनाया है एक नॉर्मल क्लास दे विच। ठीक है, ध्यान नाल देखियो इस चीज़ नूं, नॉर्मल क्लास दे विच एबसट्रैक्ट मैथड बनाया। ठीक है, दैन उस तो बाद एक क्लास बनाई स्टूडेंट, वो एक्सटेंड कर रही है परसन नू, उहदे विच अपने कुछ मैंबरस है, उन्हें किसी भी चीज़ नू जिहड़ी पेरेंट क्लास है उहदे किसी भी मैंबर फंक्शन या डाटा मैंबर नू इधर कॉल नहीं कीती। ठीक है, उस तो बाद मैं एक क्लास बनाई एबसट्रैक्ट मेन, इहदे विच मैं कॉल कर रही हाँ किनू, कॉल नहीं कर रही एक्चुअल, मैं एक मैमरी एलोकेट कर रही हाँ किनू कर रही हाँ स्टूडेंट टाइप दे एस नू इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हाँ स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, हुण इस प्रोग्राम दे विच कुछ एरर्स है, वो एरर्स तुसी फाइंड आउट करने हैं की एरर्स है। ठीक है, ये तुहाडे लई वर्क है। ठीक है क्लास, थैंक यू। अज के लैक्चर में कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब पर कमेंट्स करके मैं दस सकते हो। ठीक है, थैंक यू।